ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਰੁਖ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਈਡੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੀਐਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ। ਈਡੀ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਹੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। उन्होंने लिखित में जवाब भेजा और कई सवाल खड़े किए और इस बार भी उन्होंने कहा कि ईडी का जो समन है वो गैर कानूनी है, ईडी अपना समन तत्काल वापस ले। चुनाव के ठीक पहले ईडी क्यों समन जारी करके उन्हें पूछताछ के लिए बुलाती है, ये जो समन है वो राजनीति से प्रेरित है। हालांकि पहले उन्होंने जब पत्र लिखा था तब उन्होंने कहा था कि मैंने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से बिताया है, हमारा जीवन पूरी तरह से पारदर्शिता तौर पर देखने को मिल सकता है, खुली किताब है उनका जीवन, उनके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में अब एक बार फिर उन्होंने ईडी को लिखित जवाब भेजा है, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार अब तो दिल्ली तो मेरे सहयोगी बलराम पांडे खबर से वधेरे जानकारी दे रहे थे। तो तुम दस दे कि अज भी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होंगे। सीएम केजरीवाल ने ईडी के संबंध का जवाब दिता है। तो जवाब दे विच एक गल सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल वालों कही गई है कि ईडी की नीयत ही सही नहीं है। तो ईडी की नीयत सही नहीं है ये गल कहद्या होया अरविंद केजरीवाल ने अज भी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश होने तो इनकार कर दिता। ईडी की ये मंशा है कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकना और जिस तरीके से ईडी के समन से ठीक पहले बीजेपी के नेता, मंत्री, विधायक, सांसद बयानबाजी करते हैं उसको लेकर के भी उन्होंने सवाल खड़े किए और कहा कि ये जो समन है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है और गैरकानूनी है, लिहाजा इस समन को तत्काल ईडी वापस ले। सीएम अरविंद केजरीवाल अज भी इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सामने पेश नहीं होंगे। ईडी के सामने पेश होने लई अज उन्हें मुड़ तो समन जारी किया गया सी। तां हुण उन्होंने जवाब दिता है कि ईडी की नीयत ही सही नहीं है। अरविंद केजरीवाल नूं समन जारी होया सी, पेशी दे लई मुड़ तो बुलाया गया सी, तां ईडी ने सामने पेश नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल। इस वक्त की सब तो वड्डी खबर है।